दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 3 नए कृषि कानूनों की विरोध में किसान आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में अब फौजियों ने भी गोदी मीडिया और भाजपा सरकार को धो दिया है। दोस्तों, मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को बदनाम करने की तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं। सत्तारूढ़ पार्टी और मीडिया के एक तबके द्वारा कभी उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी तो कभी चीन का एजेंट बताया जा रहा है। किसानों पर इस तरह के आरोप लगाए जाने से लोगों में भारी नाराजगी है। अब किसानों को आतंकवादी कहे जाने के खिलाफ फौजियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें फौजी की यूनिफॉर्म में एक शख्स हाथों में तख्ती लिए खड़ा दिखाई दे रहा है और तख्ती पर लिखा है कि मेरे पिता किसान हैं, अगर वो आतंकवादी हैं तो मैं भी आतंकवादी हूँ। इस तस्वीर को पत्रकार विनोद कापड़ी ने ट्विटर पर शेयर किया है और इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि फौजी वर्दी में सिख युवक संभवतः सैनिक हो सकता है, एक नोट लेकर खड़ा है जिस पर लिखा है कि मेरे पिता किसान हैं, अगर वो आतंकवादी है तो मैं भी आतंकवादी हूँ। उन्होंने इस पर दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने लिखा है कि ये सब देखना दुखद है। इस देश में पूरे ताने बाने की पिछले 70 साल में मोदी से ज्यादा किसी ने इतना तबाह नहीं किया है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी किसानों को आतंकवादी कहे जाने पर आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि किसानों को बदनाम करने के लिए कहा जाता है कि किसान आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, किसान टुकड़े टुकड़े गैंग और चीन पाकिस्तान के एजेंट हैं। बता दो कि इन्हीं किसानों के भाई बेटे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठकर देश की सुरक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब के DIG ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस पर पत्रकारों ने सवाल किया है कि जिस DIG ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया है, क्या ये भी आतंकवादी है? दोस्तों, आपके लिए बता दूं कि किसानों की एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें वो पिज्जा खा रहे थे। इस पर गोदी मीडिया ने, बीजेपी के IT सेल ने विवाद खड़ा कर दिया कि ये किसान नहीं है, क्या किसान पिज्जा खाते हैं? उनसे दिलजीत दोसांझ जो पंजाबी गायक है, उन्होंने कहा है कि जब किसान जहर खा रहा था तब तुम चुप थे, जैसे ही किसानों ने पिज्जा खा लिया तुम सवाल उठाने लग गए। ये कैसी सरकार है जो किसानों के पिज्जा खाने पर सवाल उठा रही है? दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।